गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समीर एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल समीर के ब्लॉग्स। तो दोस्तों फाइनली आज का हमारा ब्लॉग है, मैं हूँ अभी स्कूल के अंदर और स्कूल के अंदर चल रहा है अभी वैक्सीनेशन। तो अभी हम करवाने वाले हैं अपना वैक्सीनेशन। काफ़ी सारे लोगों ने वैक्सीनेशन मतलब बच्चों का वैक्सीनेशन चल रहा है अंडर 18, तो अभी मैं भी वैक्सीन लगवाऊंगा और एक भाई ने लगवा लिया है। तो ज़्यादा दर्द हुआ क्या भाई? भाई दर्द हुआ क्या? नहीं हो रहा है। तो मतलब आराम से लगाना है ना वैक्सीन। तो आप कितने साल के हो? 17 भाई 17 साल का है। और अभी थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज़ ज़्यादा आ रही होगी, उसके लिए सो सॉरी बिकॉज स्कूल में हूँ। तो अभी हम बाहर जाते हैं, आपको दिखाते हैं, चलो दोस्त। वैक्सीनेशन चल रहा है वहाँ पे, उस साइड में काफ़ी सारे बच्चे लाइन में खड़े होंगे, आपको दिख रहा होगा। और ये थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया मेरे फेस की तरफ, तो मैं भी वहाँ चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ और अपने भी वैक्सीन लगाऊंगा अभी मैं दोस्तों। चलो दोस्तों, तो वैक्सीनेशन की लाइन काफ़ी लंबी है भाई, लाइन दिखाओ दोस्तों। ये लाइन है और इसके लिए आधार कार्ड नेसेसरी है। तो अभी मैं जाता हूँ और वैक्सीनेशन कराता हूँ। अभी बहुत सारों का नंबर आएगा, फिर अपना नंबर आएगा, तो अभी देखते हैं और आपको दिखाते हैं। चलो दोस्तों, ये जो हमारी वैक्सीन लग रही है सीरम इंस्टीट्यूट की कोवैक्सीन है, जो कि मतलब खाना खाने के बाद ही ली जाती है। मैं सुबह खाना खा के आया हूँ, अभी भी लंच किया है और काफ़ी सारी भीड़ है। अभी उसका नंबर आ जाएगा, फिर हम जाके लगवाते हैं और देखते हैं अंदर शूट करने देते हैं सर मैडम मतलब परमिशन देते हैं नहीं देते हैं, तो अभी देखते हैं। चलो दोस्तों, हमारे स्कूल के अंदर 4 से 5 हज़ार बच्चे हैं, तो उसमें टाइम लग रहा है वैक्सीनेशन होने में। तो अभी मेरे नंबर आने लगे, अभी चलते हैं और लगवाते हैं। यहाँ पर चल रहा है वैक्सीनेशन और अभी अपन भी अंदर जाएंगे और अभी मैं भी वैक्सीन लगवाता हूँ। चलो दोस्तों, और ये है रोहित भारद्वाज, ये मेरा फ्रेंड है, बाकी सारे लोग हैं इधर, तो वो भी वैक्सीन लगवाएंगे अभी और मैं भी लगवाता हूँ। चलो दोस्तों, मैं वैक्सीन लगवा रहा हूँ। दोस्तों अरे इसको सीधा रखो, सीधा रखो दोस्तों। मैं वैक्सीनेशन करवाने भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, फिर अभी मैं वैक्सीन लेता हूँ। अभी दोस्तों इस पर OTP आएगा, वो बताते हैं फिर वापस चलाते हैं। अभी चलते हैं बाहर, वैक्सीनेशन रूम से बाहर चलते हैं अभी। दोस्तों फाइनली हम दोनों का वैक्सीनेशन हो चुका है। ये रोहित भाई, इसका भी ज़्यादा दर्द हुआ क्या भाई? नहीं नहीं, ज़्यादा दर्द मेरे भी वैसे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब चीटी के जैसी मतलब चीटी काटती है उतना सा दर्द होता है। और आप भी आए और वैक्सीनेशन कराए, अभी हम मिलते हैं आपको बाद में, बिकॉज अभी स्कूल टाइम है, तो घर पर या फिर बाद में मिलते हैं। चलो दोस्तों, बाय बाय। तो ये कुछ छोटा सा छेद हुआ, बिल्कुल छोटा सा छेद हुआ है, ऐसा कोई भारी फ़र्क नहीं पड़ता इससे अपने हैंड पे या किसी पे भी। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो सकती है उन्होंने बोला, बट ऐसा कुछ इफेक्ट अभी नहीं पड़ता। पहले वाली वैक्सीन में जब शुरू शुरू हाई डोज था तब पड़ता था, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मेरे को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, सब कुछ फील नहीं हो रहा है कि वैक्सीन भी लगी मेरे को। तो अभी हम और बात करते हैं आपसे। चलो दोस्तों, फाइनली हम स्कूल से निकल चुके हैं और अभी मैं जा रहा हूँ घर पर, मतलब छुट्टी हो चुकी है तो अभी मैं जा रहा हूँ घर पे एंड आपको घर पे मिलते हैं जाके। चलो दोस्तों,
दोस्तों, मैं वैक्सीन लगवा के सीधे घर पे आ गया था, और घर पे आने के बाद मैं सो गया थोड़ी देर। फिर एक आधे घंटे बाद उठा मैंने, फिर थोड़ा देखा तो हाथ में थोड़ा दर्द था, तो मैंने पैरासीटामोल ली एंड फिर थोड़ा रिलीफ मिला। तो अब मैं सो के मतलब वापस सो गया था, मैं दो बार सो गया मतलब वापस सो के फिर उठा। तो जिसने भी जो भी 18 प्लस मतलब है, उन्होंने तो करवा लिया होगा वैक्सीनेशन, और जो 18 के अंडर है वो भी वैक्सीनेशन करवा लो, इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता, ऐसे कोई भी इशू नहीं आता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप भी वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं 18 प्लस ने तो, हाँ मतलब 18 के अंडर में जो सब वैक्सीनेशन करवा लें, मतलब जो भी 2005 से 2007 के बीच में पैदा हुए हैं उनके अभी वैक्सीनेशन चल रहा है। और ओनली फॉर यू नीड आधार कार्ड और अपने फ़ोन नंबर बताने हैं तो वैक्सीनेशन लग जाएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दें, और आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि और लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो भी वैक्सीन लगवाए। एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया ना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, या आसपास में भी कहीं पेज आ रहा होगा तो जाके फॉलो कर लेना। हम ऐसे अच्छा अच्छा कंटेंट यहाँ पे लाते रहेंगे, तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल।